सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं डाउन रेंज के बारे में। ये कहानी है एक साइको स्नाइपर की, जिसे मासूम लोगों को मौत के घाट उतारने में मजा आता है। कहानी की शुरुआत होती है और हम एक कार को देखते हैं। ये कार एक सड़क पे चलती जा रही है। इसी कार के अंदर 6 दोस्त बैठे हुए हैं और ये बहुत ही ज्यादा खुश हैं अपनी ट्रिप पे जाने के लिए। तभी अचानक इनका टायर पंचर हो जाता है और क्योंकि गाड़ी की स्पीड बहुत ही ज्यादा तेज थी, इसलिए कुछ लोगों को चोट भी आती है। लेकिन ये सारे लोग संभल जाते हैं और एक एक करके गाड़ी से सारे लोग बाहर आने लगते हैं। तब हमें पता लगता है कि इनके ग्रुप में 3 लड़कियां हैं और 3 ही लड़के हैं। लड़कियों का नाम है कैरेन, जोडी और सेरा, और लड़कों का नाम है टॉड, जेफ और ईरी। और ये सारे लोग टॉड की बहन की शादी में जा रहे हैं, लेकिन ये शादी एक बहुत ही छोटे जगह पे हो रही है जहाँ पे ज्यादा लोग नहीं जाते, इसीलिए रास्ता इतना सुनसान है। बहुत ही गिनी चुनी गाड़ियां इस रास्ते से गुजरती हैं, इसीलिए दूर दूर तक यहाँ पे इनकी मदद के लिए कोई भी नहीं है। फिर ये निश्चय करते हैं कि ये लोग अपने स्टेफनी का इस्तेमाल करेंगे, इसीलिए अब टॉड एक्स्ट्रा टायर को बाहर निकालता है और वो उसे लगाने लगता है और बाकी 2 लड़के भी उसकी मदद करते हैं। तभी हम सेरा को देखते हैं और सेरा यहाँ पे सबके साथ सेल्फी लेना चाहती है, इसीलिए वो सबके साथ सेल्फी लेती है और उसे सोशल मीडिया पे अपलोड करने की कोशिश करती है। तब उसे पता लगता है कि यहाँ पे बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं है, इसलिए वो घूमने लगती है ताकि वो पता लगा सके कि कहाँ पर नेटवर्क मिलेगा उसे। फिर वो जैसे ही यहाँ से कुछ दूरी पे जाती है, उसके फोन में नेटवर्क चला आता है। तभी हम बाकी 2 लड़कियों को देखते हैं जिन्हें बहुत ही ज्यादा धूप लग रही है, इसीलिए वो गाड़ी के पीछे जाकर के बैठ जाती है और ईरिक निकल जाता है बाहर और वो जाकर के पास के जंगल में घूमने लगता है। तभी टॉड जेब से कहता है कि वो टायर को बदले और वो जाकर के बैठ जाता है सेरा के पास और उससे बात करने लगता है। लेकिन जेब जैसे ही पुराने टायर को बाहर निकालता है, तभी उसे पता लगता है कि वो टायर अपने आप पंचर नहीं हुआ था, बल्कि उस टायर में किसी ने गोली मारी थी, इसीलिए वो आश्चर्यचकित रह जाता है। तभी हम टॉड को देखते हैं जो बात कर रहा होता है सेरा से। इसी बीच उसकी नजर पड़ती है टायर पे और वो देखता है कि वो टायर अब सड़क की तरफ जा रही है, इसीलिए वो दौड़ के जाता है टायर को पकड़ने के लिए। तभी सेरा अपना फिर से फोन चेक करती है। इसी बीच उसकी नजर पड़ती है जेफ पे। फिर जेफ को देखने के बाद वो बहुत चक्का रह जाती है, क्योंकि जेफ के सर में किसी ने गोली मार दी है, इसीलिए अब सेरा की आवाज भी नहीं निकल पाती। तभी इस तरफ टॉड आने लगता है और वो देखता है कि सेरा बहुत परेशान है, इसीलिए वो उससे पूछने की कोशिश करता है। तभी एक और गोली आकर के लग जाती है सेरा के सर में और इस चीज को देखने के बाद अब सारे लोग दंग रह जाते हैं। तभी सेरा उनकी तरफ मुड़ती है और इन्हें पता लगता है कि वो गोली आकर के लगी थी उसकी दाएं आंख में। फिर सेरा इनकी तरफ आगे बढ़ने लगती है। तभी एक और गोली आकर के लगती है उसके सर में और यहीं पे सेरा की मौत हो जाती है। तब इस चीज को देख करके कैरेन बहुत परेशान हो जाती है और वो समझ जाती है कि पास में ही कोई स्नाइपर है, इसीलिए वो चिल्ला के अपने दोस्तों को कहती है कि अभी के अभी गाड़ी के पीछे छुप जाओ। इसीलिए दोनों जाकर के गाड़ी के पीछे छुप जाते हैं, लेकिन टॉड को अभी भी ये बात पता नहीं है, लेकिन उसे भी खतरे का आभास हो जाता है, इसीलिए वो भाग करके जाने लगता है गाड़ी के पीछे। तभी वो स्नाइपर टॉड पर भी गोली चला देता है, लेकिन वो गोली आकर के लगती है उसके कंधे पे और टॉड नीचे गिर जाता है, लेकिन वो गाड़ी के पीछे आ चुका है। तब तक ईरिक को भी इस बात का आभास हो जाता है, इसीलिए वो जंगल की तरफ से भाग करके आने लगता है गाड़ी की तरफ। लेकिन अब वो स्नाइपर इस पे अंधाधुंध गोलियां चला रहा है, इसीलिए वो एक कटे हुए पेड़ के पीछे छुप जाता है और टॉड भी गाड़ी के पीछे आ जाता है, लेकिन वो स्नाइपर उस पे ऐसे ही गोलियां चला रहा है, इसीलिए सारे लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और इन्हें अभी तक विश्वास नहीं होता कि इनके साथ क्या हो रहा है। लेकिन धीरे धीरे ये चीजों को समझने लगते हैं और इन्हें पता लगता है कि स्नाइपर ने जानबूझ के इनके टायर को पंचर किया था ताकि वो इन्हें तड़पा तड़पा के मार सके। और कैरेन उसकी सारी गतिविधियों को समझ पाती है, क्योंकि कैरेन एक मिलिट्री फैमिली से आती है, इसीलिए वो कहती है कि उस स्नाइपर ने अपने बंदूक में साइलेंसर लगा रखा है ताकि हमें उसकी लोकेशन जल्दी पता ना लगे, और अगर वो हमें गाड़ी के पीछे नहीं देख पा रहा है इसका मतलब है कि वो यहाँ से दूर है। फिर इतना कहने के बाद वो टॉड का घाव देखती है, तब उसे पता लगता है कि ये घाव बहुत ही तेज होने वाला है। तभी वो लोग ईरिक को देखते हैं और ईरिक भी लाचार पड़ा हुआ है दूसरी तरफ और अब वो चाह के भी इनके पास नहीं आ सकता। तब टॉड कहता है कि हमने टायर को लगा दिया है, लेकिन अभी भी उसके सारे के सारे स्क्रूज को टाइट करना है, इसीलिए हमें और टाइम चाहिए होगा। लेकिन ये लोग जानते हैं कि इनके पास इतना टाइम नहीं है और ये टायर्स को टाइट नहीं कर सकते, वरना वो इन्हें मार गिराएगा। तभी कैरेन कहती है कि यहाँ से 3 मीटर की दूरी पे मेरे फोन में नेटवर्क आया था, इसीलिए अगर हम किसी तरह से वहाँ पहुँच जाए और पुलिस वालों को कॉन्टेक्ट कर ले तब कहीं हम जिंदा बच सकते हैं। इसीलिए लोग फिर से दिमाग लगाते हैं और एक सेल्फी स्टिक को बाहर निकालते हैं और उस सेल्फी स्टिक पे लगा देते हैं अपने फोन को। फिर गूगल असिस्टेंट को ऑन करते हैं और फोन को अपने से दूर करने लगते हैं ताकि उसमें नेटवर्क आ जाए, और ऐसा ही होता है, फोन में नेटवर्क भी आ जाता है। लेकिन जैसे ही कैरेन 911 पे कॉल करने वाली होती है, वह स्नाइपर उसके फोन पे गोली चला देता है और फोन के चींथड़े उड़ जाते हैं, इसीलिए सारे लोग फिर से डर जाते हैं। लेकिन इन्हें कैसे भी प्लान्स बनाते रहने पड़ेंगे अगर इन्हें यहाँ से जिंदा बच के निकलना है। तब टॉड कहता है कि हमें गाड़ी को पीछे लाना पड़ेगा और उसके लिए हमें सबसे पहले गाड़ी को न्यूट्रल में डालना पड़ेगा, और अगर एक बार गाड़ी न्यूट्रल में चली गई तब हम सारे लोग पुश करके गाड़ी को पीछे ला सकते हैं और उस जगह पे पहुंच सकते हैं जहां पे नेटवर्क आता है, इसीलिए हमें सबसे पहले उस स्नाइपर को डिस्ट्रैक्ट करना है। फिर कैरेन कहती है कि वो उसे डिस्ट्रैक्ट करेगी। फिर वो अपना हुडी उतारती है और कहती है कि मैं उससे उसे डिस्ट्रैक्ट करूंगी, और दूसरी
दूसरी तरफ जोडी अपने फोन को लेकर के तैयार है ताकि वह स्नाइपर जैसे ही गोली चलाए वो अपने फोन में रिकॉर्ड कर ले और उसे पता लग जाए कि उस स्नाइपर की लोकेशन क्या है। और टॉड तैयार है चाबी के साथ कि वो गाड़ी के अंदर घुसेगा और गाड़ी को न्यूट्रल कर देगा। फिर ये लोग ऐसा ही करते हैं और टॉड धीरे धीरे दरवाजा खोलने लगता है और कैरेन अपने हुडी को ऊपर कर देती है और जोडी भी फोन में रिकॉर्ड करने लगती है, लेकिन वह स्नाइपर बहुत ही ज्यादा चालाक है। टॉड जैसे ही गाड़ी के अंदर जाता है वो उस पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है, इसीलिए टॉड को बिल्कुल भी ज्यादा वक्त नहीं मिलता और उसे बिना ही न्यूट्रल किए हुए वापस आना पड़ता है। लेकिन इनके लिए अच्छी खबर ये है कि जोडी ने रिकॉर्ड कर लिया है कि वह स्नाइपर कहाँ पे है। फिर इन्हें पता लगता है कि वह स्नाइपर एक पेड़ के ऊपर है और वो वहीं से निशाना लगा रहा है, इसीलिए वो चीजों को इतनी आसानी से देख पा रहा है। लेकिन अब टॉड बहुत ही ज्यादा परेशान है, वो कैसे भी गाड़ी को न्यूट्रल करना चाहता है। तभी वो गाड़ी का टूल बॉक्स देखता है, इसीलिए वो भाग के जाता है और टूल बॉक्स उठा के लाता है। फिर उसके कवर को शील्ड बना करके अपने हाथ पे लगा लेता है ताकि अगली बार जब वो न्यूट्रल करने जाए और वो स्नाइपर उस पर गोली भी चलाए तब भी उसे ज्यादा परेशानी ना हो। इसीलिए लोग अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करने लगते हैं और दूसरी तरफ एरिक छुपा हुआ है, उसे कुछ भी पता नहीं चल रहा कि ये लोग क्या कर रहे हैं। तब टॉड दोनों लड़कियों को पोजीशन लेने के लिए कहता है और खुद घुस जाता है गाड़ी के अंदर और गाड़ी को न्यूट्रल कर देता है। तभी वो स्नाइपर इन चीजों को देख लेता है, इसीलिए वो टॉड पे गोली चलाता है और टॉड बाहर गिर जाता है। लेकिन अब ये गाड़ी न्यूट्रल हो चुकी है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या इनके लिए ये है कि ये दोनों लड़कियां गाड़ी को पीछे नहीं कर पाती है और आगे ढलान है, इसीलिए अब ये गाड़ी लुधक करके आगे जा रही है और ये लोग चाह करके भी गाड़ी को नहीं रोक पा रहे हैं। इसी बीच जोड़ी पीछे छूट जाती है और गाड़ी ऐसे ही आगे जाने लगती है, लेकिन टायर के बोल्ट टाइट नहीं थे इसीलिए अब टायर बाहर निकल जाता है और गाड़ी रुक जाती है। तभी कैरेन देखती है जोड़ी को और वो उस पर चिल्लाने लगती है और कहती है कि जल्दी यहाँ पे वापस आ जाओ, क्योंकि वो देखती है कि स्नाइपर अभी भी गोली नहीं चला रहा, इसीलिए वो समझ जाती है कि वो रीलोड कर रहा है। इसीलिए वो जोड़ी को कहती है कि तुम्हारे पास बस यही वक्त है, इसीलिए जोड़ी भाग करके आने लगती है और एरिक भी इस बात को सुन लेता है। फिर वो भी भागने की कोशिश करता है, लेकिन अब वो स्नाइपर पहले गोली चलाता है एरिक पे और उसके पैर में आकर के गोली लग जाती है। फिर वो ऐसे ही जमीन पे नीचे गिर जाता है और रेंगने लगता है, लेकिन वो स्नाइपर उसे और गोलियां नहीं मारता क्योंकि वो चाहता है कि एरिक तड़प तड़प के मरे। और इस चीज को देख करके ये लोग भी बहुत परेशान होने लगते हैं। तभी ये देखते हैं कि गाड़ी के अंदर एक पानी का बोतल पड़ा हुआ है और इन सबको बहुत ही ज्यादा प्यास लगी हुई है, इसीलिए ये लोग बोतल को बाहर निकालने लगते हैं और बहुत ही कड़ी मशक्कत के बाद बोतल को बाहर भी निकाल लेते हैं। लेकिन ये पानी बहुत ही कम है, फिर भी ये तीनों थोड़ा थोड़ा पानी पीते हैं और इन्हें पता है कि एरिक भी प्यासा होगा, इसीलिए लोग बोतल को फेंकते हैं एरिक की तरफ। लेकिन एरिक जैसे ही पानी पीने वाला होता है वह स्नाइपर उसके हाथ पे गोली चला देता है और एरिक फिर से तड़पने लगता है। तभी हम उस स्नाइपर को देखते हैं जो बड़े ही मजे के साथ खाना खा रहा है और पानी पी रहा है और इन्हें तड़पता हुआ देख करके उसे बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है और समय ऐसे ही बीतने लगता है। फिर थोड़े समय के बाद जोडी को यहाँ पे पेशाब आता है, लेकिन वो जानती है कि वो कहीं और नहीं जा सकती, इसीलिए वो गाड़ी के पीछे ही इनके सामने ही पेशाब करती है। लेकिन अब इन सारी चीजों से टॉड बहुत ही ज्यादा तंग आ चुका है और वो अपनी गर्लफ्रेंड को मिस कर रहा है और उसे लगता है कि वो जिंदा नहीं बचेगा और वो सेरा के बगैर जिंदा भी नहीं रहना चाहता, इसीलिए वो खड़ा होता है और आगे बढ़ने लगता है सेरा की तरफ और जाकर के सेरा का हाथ पकड़ लेता है। और इस चीज को देख करके सारे लोग आश्चर्यचकित है क्योंकि उसे स्नाइपर ने अभी तक गोली नहीं चलाई। तभी हम एरिक को देखते हैं और अब धीरे धीरे एरिक मर रहा है। फिर वो अपने सामने एक भेड़िए को देखता है और वो भेड़िया इसे मारने के लिए आ रहा है, लेकिन एरिक इस चीज को देख करके खुश होता है कि अगर वो भेड़िया उसे मारेगा तब कहीं इसकी जान जल्दी निकल जाएगी और इसे ज्यादा नहीं तड़पना पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ टॉड अभी भी सड़क पे खड़ा है और वो चाहता है कि वो स्नाइपर उसे मार दे, लेकिन वो स्नाइपर उसे नहीं मार रहा। तभी टॉड इस तरफ एक गाड़ी को आता हुआ देखता है और इस चीज को देख करके वो खुश हो जाता है। फिर वो गाड़ी वालों को आगाह करने लगता है और उनसे कहता है कि वो पुलिस वालों को कॉल करे। और स्नाइपर जैसे ही इस चीज को देखता है वो गोली चला देता है टॉड पे और टॉड सेरा के पास ही गिर जाता है। फिर वो उसके हाथ को पकड़ता है और अपना दम तोड़ देता है। तभी हम उस गाड़ी को देखते हैं और इस गाड़ी में तीन लोग हैं, पति, पत्नी और उनकी बेटी। और अभी पत्नी गाड़ी चला रही होती है और उसे आभास हो जाता है कि सामने कुछ गड़बड़ है, लेकिन उसे ये बात पता नहीं कि सामने सिर्फ और सिर्फ लाशें हैं। तभी वो स्नाइपर इन्हें देख लेता है और वो गोली चला देता है इस औरत के हाथ पे, इसीलिए वो तड़पने लगती है और उसके गाड़ी का बैलेंस भी खराब हो जाता है। फिर वो जैसे ही टॉड के गाड़ी के पास आती है इनकी गाड़ी पलट जाती है और गाड़ी जाकर के दूर गिरती है। फिर इस चीज को कैरेन और जोडी जैसे ही देखते हैं उनकी ये उम्मीद भी टूट जाती है और उन्हें लगता है कि अब ये लोग यहीं पे मरेंगे। तभी ये लोग देखते हैं कि वो औरत अभी भी जिंदा है और अब वो गाड़ी से बाहर आ चुकी है। तब कैरेन उसे छुपने के लिए कहती है, लेकिन वो औरत समझ नहीं पाती। इसी बीच वो स्नाइपर गोली चला देता है उस औरत पे और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। तब थोड़े समय के बाद उसका पति बाहर निकलता है और वो अपनी बेटी को ढूंढने लगता है। तब कैरेन
उसे भी चिल्ला करके कहती है कि उसे छुप जाना चाहिए, और इतना कहने के बाद वो उसे कहती है कि 911 पे कॉल करो, और वो आदमी भी इस बात को समझ जाता है, इसीलिए वो फोन बाहर निकालता है और 911 पे कॉल करने लगता है। लेकिन अब उसे स्नाइपर को पता है कि इस गाड़ी में और भी कोई जिंदा है, लेकिन वो उस आदमी को नहीं देख पाता है, इसीलिए वो सबसे पहले गोली चलाता है फ्यूल टैंक पे। फिर जब सारा का सारा तेल बाहर गिर जाता है तब वो तेल पे गोली चला देता है, और इनके आंखों के सामने ही पूरी की पूरी गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है। तभी हम उस आदमी को देखते हैं जिसके पूरे शरीर में आग लग चुकी है, और वो जलता हुआ सड़क पे आता है और वैसे ही तड़प तड़प के मर जाता है। और इस चीज को देख करके कैरन और जूडी दोनों बहुत ही ज्यादा टूट जाते हैं। तभी उनकी नजर पड़ती है इस आदमी की बेटी पे जो अभी भी जिंदा है। फिर वो धीरे धीरे करके उठने लगती है, तभी उसे स्नाइपर की नजर पड़ जाती है उस बच्ची पे। तब वो दरिंदा उसे भी मार गिराता है, और इस चीज को देखने के बाद ये दोनों टूट जाते हैं, क्योंकि पिछले कुछ समय से ये लोग सिर्फ और सिर्फ मौतें देख रहे हैं, और इन्हें लगता है कि इनका भी दिन अब दूर नहीं, जल्दी ही इनकी भी मौत हो जाएगी। इसीलिए ये लोग टूटने लगते हैं और इनका दिमाग काम करना बंद करने लगता है, और समय ऐसे ही बीतने लगता है। तभी थोड़े समय के बाद कैरन को एक आइडिया आता है, और वो कहती है कि जल्दी ही अंधेरा होने वाला है, और अंधेरे में अगर हम यहाँ पे धुआं कर दें तब उसे स्नाइपर को कुछ भी नजर नहीं आएगा, इसीलिए वो लोग अंधेरे का इंतजार करने लगते हैं। फिर जैसे ही रात होती है कैरन एक चाकू निकालती है और सीट्स को काटने लगती है, और काटने के बाद बहुत सारा फोम बाहर निकालती है, और गाड़ी में गैसोलीन भी पड़ा होता है, इसीलिए अब इनके लिए आसान है कि ये लोग यहाँ पे जला करके धुआं करते हैं। तभी ये गाड़ी के पीछे जाते हैं और इन्हें वहाँ पे बहुत सारा पानी मिलता है, इसीलिए ये दोनों पानी पीने लगते हैं। तब जूडी टी शर्ट निकालती है और एक वो कैरन को देती है और एक अपने पास रख लेती है, ताकि ये लोग अपने नाक को कवर कर ले, क्योंकि जैसे ही यहाँ पे धुआं फैलेगा उस गैस से इनकी तबीयत भी खराब हो सकती है, इसीलिए ये लोग अपने नाक को बांध लेते हैं। फिर ये गाड़ी के सीट पे गैसोलीन फैलाने लगते हैं। तब कैरन एक पेपर में आग लगाती है और वो पूरे के पूरे गाड़ी में आग लगा देती है, और यहाँ पे धुआं फैलने लगता है, लेकिन ये धुआं इतना ज्यादा नहीं है कि ये लोग यहाँ से भाग सके, क्योंकि इन्हें पता है कि उसे स्नाइपर के पास नाइट विजन भी है, इसीलिए वो अंधाधुन इन पे ऐसे ही गोलियां चलाते रहता है, और ये लोग धुएं के बढ़ने का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी कैरन इस तरफ देखती है पुलिस की गाड़ियों को जो इधर ही आ रहे हैं, और वो समझ जाती है कि उस आदमी ने 911 पे कॉल कर दिया था। तभी हम पुलिस वालों को देखते हैं यहाँ पे आता हुआ, और दूसरे ही पुलिस वाले लाशों को देख लेते हैं, और वो समझ जाते हैं कि उन लोगों ने जितना सोचा था यहाँ का हालात उससे ज्यादा खराब है। फिर भी पुलिस वाले यहाँ पे अपने साथ दो स्नाइपर्स को लाए हैं, लेकिन उन्हें और बैकअप चाहिए, इसीलिए वो कॉल करते हैं स्टेट पुलिस को, और उन्हें कहते हैं कि हमें और भी लोग चाहिए होंगे यहाँ पे, लेकिन वो फोन पे बात कर ही रहे होते हैं तभी स्नाइपर उन पे हमला कर देता है और इनके एक साथी को मार देता है। और इस चीज को देख करके दोनों स्नाइपर्स गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन जो आदमी मरा है वही गाड़ी चला रहा था, इसीलिए अब गलती से उसका पैर पड़ जाता है एक्सीलरेटर पे और ये गाड़ी चलने लगती है, इसीलिए वो दोनों स्नाइपर्स नीचे गिर जाते हैं। तभी कैरन जूडी को कहती है कि यही सही वक्त है, अब धुआं चारों तरफ फैल चुका है, अब हमें यहाँ से भागना पड़ेगा, लेकिन जूडी बहुत ही ज्यादा डर चुकी है, इसलिए वो कहती है कि वो नहीं भाग पाएगी। तब कैरन उसे बार बार समझाती है, लेकिन जब जूडी नहीं मानती तब कैरन अकेला भागने लगती है जंगलों की तरफ, लेकिन वो जैसे जैसे आगे जाती है धुआं खत्म होने लगता है और स्नाइपर उसे देख लेता है, इसीलिए वो उसे हेडशॉट देता है और वहीं पे कैरन की मौत हो जाती है। और इस चीज को देख करके अब जूडी टूट जाती है और वो देखती है कि पुलिस वाले अभी भी जिंदा है, इसीलिए वो भाग करके जाती है उनकी गाड़ी के पास और छुप जाती है, लेकिन वो स्नाइपर बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और वो इन पुलिस वालों से बेहतर है, इसीलिए वो एक एक करके सारे के सारे पुलिस वालों को मार देता है। और इस चीज को देखने के बाद अब जूडी और भी ज्यादा डर जाती है और वो समझ जाती है कि अब वो पुलिस वाला उसे मारने वाला है, लेकिन जूडी को पता है कि उसी आदमी ने इसके सारे के सारे साथियों को मारा है, इसीलिए अब वो कैसे भी बदला लेना चाहती है, और वो जानती है कि अगर उसने शिकार नहीं किया स्नाइपर का तब वो उसका शिकार बन जाएगी, इसीलिए वो पुलिस वालों के गाड़ी के अंदर दाखिल होती है और गाड़ी को चलाने लगती है, क्योंकि जूडी को पता है कि वह स्नाइपर कहाँ पे छुपा हुआ है और वो किस पेड़ के ऊपर है, इसीलिए वो गाड़ी को लेकर के जाती है और तेजी से उस पेड़ को ठोक देती है, इसीलिए अब स्नाइपर नीचे गिर जाता है, वो कहीं और गिरता है और उसका राइफल कहीं और गिरता है, लेकिन वो आदमी ऊपर ही लटक गया है, इसीलिए वो अपनी रस्सी को काट रहा है, और थोड़ी देर के बाद वो रस्सी काट के नीचे गिर जाता है, और हम देखते हैं कि आदमी सच में एक साइको है। फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है जूडी की तरफ, तब जूडी डर के मारे बंदूक उठा लेती है और वो गोली चला देती है स्नाइपर पे, वो उसे लगातार दो गोलियां मारती है, फिर वो नीचे गिर जाता है, लेकिन जूडी का मन अब भी नहीं भरता, इसीलिए वह स्नाइपर के पास जाती है और उस पे एक और गोली चलाती है, लेकिन अब भी जूडी का मन नहीं भरता, इसीलिए वो फिर से रीलोड करने लगती है ताकि वो उसे एक और गोली मारे, लेकिन अब बंदूक फंस जाता है इसीलिए रीलोड नहीं हो पाता। तभी वो बंदूक पे बहुत सारे निशान देखती है और उन्हें देखने के बाद वो समझ जाती है कि जितने भी लोगों को यह स्नाइपर मारता है उसके बाद वो अपने बंदूक पे एक निशान बनाता है ताकि उसे पता चलता रहे कि उसने कितने लोगों को मौत के घाट उतारा। और इस चीज को देखने के बाद अब जूडी को फिर से उसके साथी याद आते हैं, इसीलिए वो परेशान हो जाती है और गुस्से से आग बबूला हो जाती है। फिर वो बंदूक से ऐसे ही पीटने लगती है इस स्नाइपर को और उसके शरीर के चीथड़े उड़ा देती है, लेकिन इसी बीच जब वो उसे पीट रही होती है तभी रिलोडर फिर से ऑन हो जाता है और अचानक गोली चल जाती है और वो गोली आकर के लग जाती है जूडी के गर्दन में, और इसी के साथ यहाँ पे जूडी की भी मौत हो
हो जाती है और जितने भी लोग इस लोकेशन पे आए थे उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचता और ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।